आज के एपिसोड में हम चार ऐसी विचित्र और अनसुलझी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। हिंटरकैफिक मासाकेयर। हिंटरकैफिक एक छोटा सा फार्म हाउस था जो बवेरियन शहर के बीच बसा हुआ था, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर था म्यूनिख शहर से। 31 मार्च 1922 को घर में रहने वाले 6 सदस्यों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड उस जमाने का बहुत बड़ा और दर्दनाक हत्याकांड था। जिन 6 लोगों की हत्या की गई वे लोग थे एंड्रियस 63 वर्ष और उनकी पत्नी कैजेला 72 वर्ष, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया 35 वर्ष और विक्टोरिया के दो बच्चे 7 साल की बेटी कैजेला और 2 साल का बेटा जोसेफ और उनकी नौकरानी मारिया। हत्याकांड से कुछ दिन पहले एंड्रियस ने अपने पड़ोसियों को बताया था कि उन्होंने कुछ पैरों के निशान उनके घर तक बाहर के जंगलों से आते हुए पाए हैं, पर वापस लौटने के कोई भी पैरों के निशान नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी छत पर रात में किसी के चलने की आवाज सुनी है और एक अनजान सा न्यूज़पेपर उनके खेत में गिरा हुआ पाया है और उनके घर की चाबियां भी कुछ दिनों से गायब हैं, पर तब भी उन्होंने पुलिस में कोई खबर नहीं की। और इससे 6 महीने पहले उनकी पुरानी नौकरानी ने अचानक से काम छोड़ दिया था और कहा था कि यह घर भुतहा है। नई नौकरानी भी उसी दिन घर में आई थी जिस दिन उसकी हत्या हुई। उस हत्या की रात वहां क्या हुआ था यह कहा नहीं जा सकता, पर माना जाता है कि बूढ़ी दंपत्ति उनकी बेटी विक्टोरिया और उसकी बेटी को किसी तरीके से घर से बाहर लाया गया, जहां खेत में उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने के बाद अपराधी घर में घुसे और 2 साल के जोसेफ जो अपने बिस्तर पर सो रहा था उसे कुल्हाड़ी से मारा और फिर नौकरानी को मारा जो अपने कमरे में सो रही थी। लगभग 4 दिन के बाद 4 अप्रैल को पड़ोसी उनके घर गए क्योंकि उन्होंने 4 दिन से घर में किसी भी सदस्य को नहीं देखा था और डाकिया ने भी गुजरते हुए देखा था कि 2 दिन पहले जो वह चिट्ठी उनके लेटर बॉक्स में डालकर गया था वह अब तक वहीं पड़ी हुई थी। इस केस की जांच पे इंस्पेक्टर जॉर्ज और उनके सहायकों को दिया गया जो म्यूनिख पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। सालों तक इस केस पर जांच चली और 100 से भी ज्यादा लोगों की शक के आधार पर जांच पड़ताल की गई, पर कोई सुराग नहीं मिला और सबसे ताजी सुनवाई 1986 में हुई थी जो भी व्यर्थ रही। पुलिस का मानना है कि कातिल हत्या करने के बाद कुछ दिन वहीं घर पर रुका, उसने मवेशियों को खाना खिलाया और किचन में पड़ा हुआ खाना भी पकाकर खाया, क्योंकि पड़ोसियों ने कहा उन्होंने कुछ दिन तक चिमनी में से धुआं निकलते हुए देखा था। उन सभी पीड़ितों के शवों को दफना दिया गया और यह केस कभी नहीं सुलझ सका। दूसरी घटना, तमाम शट केस। 1 दिसंबर 1948 एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति की लाश सोमर्टन बीच पर मिली। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने देखा कि इसके कपड़े एकदम सही थे और कोई हाथापाई के सबूत नहीं थे। उसकी जेब से च्युइंगम, कंघियां, एक महंगी सिगरेट का डब्बा, एक इस्तेमाल किया हुआ बस टिकट और एक ट्रेन टिकट पास की ही हेनली बीच तक जो इस्तेमाल नहीं हुआ था। पुलिस बुरी तरीके से परेशान थी क्योंकि उसकी जेब से ना ही कोई पर्स मिला और ना ही कोई पहचान पत्र, और तो और उसके कपड़ों पर से लेबल्स तक नोचे हुए थे। यह जो भी इंसान था या तो वह खुद चाहता था कि इसे कोई पहचान ना पाए या फिर किसी ने इसकी सारे चीजों को निकाल दिया था। उसकी लाश की जांच करने के बाद डॉक्टरों को पता चला कि इसकी मौत जहर से हुई होगी क्योंकि उसके सर और पेट में खून का थक्का जमा हुआ था, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि हैमरेज उसे प्राकृतिक तौर से नहीं हुआ था और उसके सारे अंग भी सही थे और उसके शहर में जहर भी नहीं मिला था। डॉक्टर भी परेशान थे कि किस कारण से इसकी मृत्यु हुई होगी। हफ्तों बाद तक इसका कोई नाम, पता और किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही थी। 10 दिसंबर को इसके शव को प्रिजर्व कर दिया गया। 6 हफ्तों बाद लगभग 14 जनवरी 1949 को एक सुराग मिला। एडिलेड रेलवे ने बताया कि इस आदमी का सूटकेस आज भी उनके अमानती घर में है। उसके सूटकेस में पुलिस को कुछ कपड़े मिले, शेविंग का सामान, चप्पलें, पेंसिल, एनवेलप और कुछ स्टैम्प्स मिले और एक चाकू और कैंची भी मिले। साथ ही ब्रश और जिंक का डब्बा मिला जिससे कि नाविक नाव पर निशान लगाते थे। उसके कपड़ों की फिर से जांच हुई, तब उसकी पैंट में छुपा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला।
जिसपे लिखा हुआ था तमाम शड, जिसका मतलब खत्म होता है पर्शियन भाषा में। इसे उमर खयम की राबियात नामक शायरी की किताब से फाड़ा गया था। इस खबर को समाचार पत्रों में भी छापा गया, जिसे पढ़कर एक आदमी आया और उसने पुलिस को वह किताब दी जिससे वह फाड़ा गया था, और पुलिस को कहा कि यह किताब उसे उसके कार की पिछली सीट पर पड़ी हुई मिली थी। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट को उस किताब के अंदर पेंसिल से कुछ कोड लिखे हुए मिले और उसी के बगल में एक फोन नंबर लिखा हुआ था। जब उस नंबर के मालिक के घर पुलिस पहुंची तो वहां एक 27 वर्ष की महिला नर्स रहती थी और उसका घर 5 मिनट की दूरी पर था जहां उसकी लाश मिली थी। उसने उसे जानने से साफ मना कर दिया और बताया कि वह शादीशुदा है, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। पर फिर भी पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल करी तो वह निर्दोष निकली, पर पुलिस के पास अभी भी वह कोड था जिसे वो कभी सुलझा नहीं सके और आज तक इस केस का रहस्य सुलझ नहीं सका कि आखिर ये आदमी था कौन। पहली और सबसे विचित्र घटना, द्यातलोव पास इंसिडेंट। उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक दल बनाया जिसका नेतृत्व आइगोर द्यातलोव कर रहे थे। इस ग्रुप को बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई करनी थी। इस 10 लोगों के ग्रुप में 8 आदमी और 2 महिलाएं थीं। इस ग्रुप का लक्ष्य था कि ओटोटन पहाड़ी पर सफलतापूर्वक चढ़ना। इस पहाड़ी रास्ते की चढ़ाई को तीसरे चरण में रखा गया था, जिसमें दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाइयां आती हैं। इसीलिए यह सारे लोग अनुभवी थे, जिनको मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी चढ़ाई करके वापस सही सलामत आने का बहुत अच्छा अनुभव था, और यह लोग पहले भी ऐसी निर्मम चढ़ाई कर चुके थे। यह दल ट्रेन से इडवेल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां से विजहाई पहुंचे, जो आखिरी आबादी वाला गांव था। 27 जनवरी को उन्होंने विजहाई से ओटोटन पहाड़ के लिए चढ़ाई शुरू करी। अगले दिन 28 जनवरी को उनमें से एक सदस्य यूरी यूडिन की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे वापस भेज दिया गया और बाकी बचे 9 लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। 3 दिन बाद 31 जनवरी को पहाड़ के नीचे वह पहुंच गए और अब यहां से उन्हें इस पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी। उन्होंने चढ़ाई तो शुरू कर दी, परंतु वहां मौसम बद से बदतर होता जा रहा था। उनकी योजना थी कि हल्का ऊपर समतल जगह पर टेंट लगा लिया जाए, पर खराब मौसम के कारण वह रास्ता भटक कर दूसरे पहाड़ पर चढ़ गए, जिसका नाम था खोलत सियाखल, जिसका मतलब होता है डेड माउंटेन। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक वह 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके थे। तब उन्होंने तय किया कि वापस नीचे जाने से उन्होंने जो चढ़ाई करी है वह व्यर्थ जाएगी, इसीलिए वे इसी पहाड़ी पर अपना कैंप लगाएंगे और यहीं से आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। जाने से पहले द्यातलोव ने कहा था कि वे 12 फरवरी से पहले वापस आकर पहली आबादी वाले गांव विजक पहुंचते ही टेलीग्राम करके सभी को सूचित करेंगे कि वह सही सलामत पहुंच गए हैं। जब 20 तारीख तक उनका कोई भी खत नहीं आया, तब एक बचाव दल और हेलीकॉप्टरों की मदद से उन्हें ढूंढने का अभियान चालू हुआ। 26 फरवरी को बचाव दल ने उनके कैंप को खोलत सियाखल पहाड़ पर टूटा हुआ पाया। वहां छानबीन हुई, तब पता चला कि यह टेंट को अंदर से फाड़ा गया है और उन सब का सारा सामान वहीं पर पड़ा हुआ है। वहां से कुछ आधे किलोमीटर नीचे जंगल में पेड़ के नीचे 2 लोगों की लाशें मिली, जिन्होंने सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। उस पेड़ की 5 मीटर तक टहनियां टूटी हुई थी, जिसका मतलब था वह किसी तरह बस पेड़ पर चढ़ना चाहते थे। वहीं पर थोड़ी दूर 3 शव और मिले, जिनमें खुद द्यातलोव भी थे। उन सभी के शव एक दूसरे से 150 से 200 मीटर आगे थे, जिससे प्रतीत हो रहा था कि वे भाग रहे थे और उसी बीच वे खत्म हो गए। बाकी के 4 सदस्यों के शव करीबन 2 महीने के बाद मिले। 4 मई को उनके शव बर्फ में से 4 मीटर नीचे दबे हुए मिले, जो बाकी शवों से 75 मीटर की दूरी पर थे। इन चारों के शवों पर कपड़े थे, पर एक दूसरे के, जिससे एक बात सामने आती है कि जिन लोगों की मृत्यु पहले हुई उन्होंने अपने कपड़े मरते मरते दूसरों को दे दिए। सभी की लाशों को मेडिकल सेंटर भिजवा दिया गया था। जिन 5 शवों को
दो महीने पहले ही ढूंढ लिया गया था। उनकी रिपोर्ट में यह पता चला कि उनकी लाशों पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, पर उनमें से एक के सर में फ्रैक्चर था। जो दो महीने बाद चार शव मिले थे, उन चारों शवों की रिपोर्ट सबसे खराब थी, जिसमें से तीन शवों के सर पर फ्रैक्चर था और बाकी दो लोगों की छाती व पसलियां भी टूटी हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक इतनी गहरी चोट तो सिर्फ एक कार के धक्के से लगने वाली चोट के बराबर है। उनमें से तीन लोगों को कोई बाहरी तौर पर चोट नहीं थी, परंतु आंतरिक तरीके से फ्रैक्चर था। पर यह कैसे संभव है कि बिना चोट लगे फ्रैक्चर हो जाए? सभी नौ शवों में से सबसे ज्यादा गहरी चोट एक महिला को लगी थी, जिसका नाम दुबिनीना था। उसकी जीभ, आंखें, ऊपरी होंठ और तो और उसके चेहरे के टिश्यू और खोपड़ी का एक हिस्सा ही गायब था, और उसके हाथ की चमड़ी भी बुरी तरीके से जली हुई थी। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट मिली कि छह लोगों की जान ठंड लगने से हुई और तीन लोगों के चोट लगने से। उन नौ लोगों के अलावा वहां किसी और मनुष्य के होने का कोई सबूत भी नहीं था। उन्होंने टेंट को अंदर से चाकू से फाड़ा और वह बाहर भागे। वह खुद अपने पैरों पर चल के अपने कैंप से जंगल की तरफ भागे। उन्हें एक ऐसी चीजों से चोट लगी जो क्या है पता नहीं, जो उनके शरीर को बिना छुए अंदर हड्डियों पर लगी, जिनसे उन्हें अंदरूनी तौर पर फ्रैक्चर हुआ, पर बाहर से उन पे चोट के कोई निशान नहीं थे। उनके कपड़ों पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा हुआ था। इसके बाद इस केस में कोई भी आरोपी ना होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद कुछ खबरें सामने आई, जिसमें एक और पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले दल ने यह बताया कि जिस रात यह घटना घटी, वह भी वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने वहां आकाश में अजीबोगरीब नारंगी रंग के सर्कल देखे। इसके बाद ऐसे ही नारंगी गोले देखे जाने के बाद वहां के आसपास रहने वाले लोगों ने भी की थी। आखिर क्या हुआ था उस पहाड़ पर कि अचानक सभी लोगों ने अपने टेंट को खोलकर निकलने की बजाय फाड़ कर निकलना पड़ा? वह निकले क्यों और उनके कपड़े कहां गए, और ऐसी कौन सी चीज थी जो वहां मौजूद थी जिसने उन्हें मारा, पर उन्हें ऊपरी चोट के बजाय अंदरूनी चोटें लगी, और उनके कपड़ों पर रेडियोएक्टिव पदार्थ कहां से आए, और उस महिला की जीभ, आंख कैसे गायब हो गई? यह घटना शायद इस सदी की सबसे रहस्यमय और दुखद घटना है। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले एपिसोड में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।